देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज मोदी विरोध में सेना और पुलिस की भी आलोचना करने में पीछे नहीं हटती। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार सेना को कटघरे में घेरा जा रहा है, लेकिन देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है और कांग्रेस समेत उन तमाम पार्टियों के मुंह बंद कर दिए जो सेना पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस ने CDS के तौर पर जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वैचारिक झुकाव की वजह से ही बिपिन रावत को सरकार ने CDS नियुक्त किया है। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को गलत बताते हुए CDS के कार्य क्षेत्र को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बिपिन रावत जब आर्मी चीफ थे तब भी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के निशाने पर रहते थे। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने तो उन्हें सड़क छाप गुंडा तक कह डाला था। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने माफी मांग ली थी। अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अंत में मिस्टर राउत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने निश्चित तौर पर उनके सभी प्रदर्शन और वैचारिक झुकाव को ध्यान में रखकर नियुक्ति की है। कांग्रेस द्वारा लगाए आरोपों पर बिपिन रावत ने कहा, हमारा फोकस सेनाओं के संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल साझा सैन्य अभ्यास पर रहेगा। अपनी नियुक्ति पर राजनीति विरोध को लेकर राउत ने कहा कि हम राजनीति से दूर रहते हैं। इसके अलावा विपक्षी दलों की ओर से राजनीतिक झुकाव के आरोपों को लेकर बिपिन रावत ने कहा, जो भी सरकार होती है हम उनके आदेशों पर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।